जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली SSGD की जो फाइनल रिजल्ट की जो डेट है या फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है, इसकी जो असलियत है वो बताने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि सारे YouTube चैनलों पे आप सभी के लिए टेंशन की न्यूज़ चल रही है कि जो बेड अपडेट है, जो कि जैसे कि वो स्टेटस रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 26 फरवरी तक कोई चांस नहीं है, ऐसा उसके अकॉर्डिंग है कि चांस नहीं है। और बाकी सभी जो यूट्यूबर है या कोई भी यूट्यूबर आपको SSGD संबंध अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसमें आप भी, जैसे मेरे को भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर दिसंबर की लास्ट 3rd वीक में जो फाइनल मेट आने वाली थी आएगी या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद जाके यहाँ पास में ग्रुप सेंटर अजमेर, अभी मैं छुट्टी में आया हूँ आपको पता ही है, तो मैं वहाँ जाके आया था खुद भी, तो वहाँ से क्या पता चला मुझे वो भी बताऊँगा। साथ में इसकी डेट की जो असलियत है, जो असलियत बात है वो भी बताऊंगा आपको कि हकीकत क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट का। साथ ही बता दूं, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे SSGD से संबंधित मैंने काफ़ी जानकारी ज्वाइनिंग से, ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या कंडीशन आती है उसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके उधर भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे मैं अजमेर गया था तो उधर मेरे को पता चला था कि अभी तक रिमेडिकल चल रहा था, जैसा कि आपको वो नोट्स भी जो आया था जो चल रहा था वायरल। लेकिन दोस्तों बता दूं, वहाँ पर रिमेडिकल चल रहा है लेकिन वो है SI का, CPSI का रिमेडिकल चल रहा है। मैं खुद जाके आया हूँ और वहाँ पर CPSI का रिमेडिकल चल रहा है, और आपको खुद जाके आया इसीलिए मैं प्रूफ के तौर पर एक एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी भी लाया हूँ जो आप देख सकते हो। ये मैं खुद जाके लेके आया हूँ, अजमेर वहाँ गया था, वहाँ पर इनका चलता, तो उनका चल रहा है। आपको कईयों को जो गलत फहमी चल रही है कि SSGD का रिमेडिकल चल रहा है, तो SSGD का नहीं, वो जो 7 तारीख वाला है मैंने बोला था ये फेक न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों, वहाँ पर रिमेडिकल चल जरूर रहा है क्योंकि उसमें अजमेर का एड्रेस था जो वायरल हो रहा था उसमें, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर SI का चल रहा है। मैंने पता किया, वहाँ जाके आया हूँ मैं खुद, क्योंकि मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं खुद भी जाके आया वहाँ पर। साथ ही बता दूँ अब दोस्तों, जो SSGD जो फाइनल मेट की जो अगर असलियत की अगर बात करें तो रियलिटी ये है, चाहे मैं भी बोल रहा था कि दिसंबर 3rd वीक तक आ जाएगा, वो इस आधार पे बोल रहा था क्योंकि जब रिमेडिकल कंप्लीट हो जाता है उसके 2 मंथ के अंदर अंदर SSGD का फाइनल रिजल्ट आ ही जाता है, इसी अकॉर्डिंग बोल रहा था। साथ में वो मेल भेज के मैंने भी देखा था सबसे पहले, फिर मैंने वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद में कॉल करके भी देखा, या किसी से जो मेरे से कनेक्टेड है उन लोगों से पता भी किया, तो सब जगह यही था कि दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। अब बाकी सभी टेंशन में हो गए हैं कि फिर तो मार्च तक नहीं आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो रियल में किसी को भी नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा, चाहे वो बोर्ड का मेंबर हो चाहे कोई भी मेंबर हो, क्योंकि मैं जो बोर्ड में मेंबर थे उनसे भी बात कर लिया, किसी को भी नहीं पता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। SSGD की अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस क्या चल रही है, कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, इतना लंबा नहीं जाएगा कि मार्च तक या फरवरी लास्ट तक ही आपका रिजल्ट ना आए, इस बात पे तो 101% है। लेकिन अगर आप डेट पूछ रहे हो, जैसे मेरे को भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर डेट बताइए कब मेरिट लिस्ट आ रही है, आप दिसंबर का बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था और बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन अब जो भी बोल रहे हैं रियलिटी यही है दोस्तों कि हकीकत में चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूब वाला है या यूट्यूबर है या कोई भी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आपके खुद के फैमिली मेंबर या कोई भी होगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में होगा, CRPF में ज़रूर होगा, तो उसका कनेक्शन मिल जाएगा आपको बोर्ड से, उससे पता कर लेना रियल में चाहे बोर्ड में मेंबर काम कर रहा है कहीं पे, किसी को कुछ भी नहीं पता कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आए, क्योंकि रिमेडिकल तो कम्प्लीट हो चुके हैं। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद ही देखती है, तो जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद देखती है तो उसका जानकारी केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड से ही प्राप्त हो सकती है, और वो बोर्ड कभी भी ऐसी सूचना नहीं देता कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों 1 महीना लगेगा, 2 महीना, क्योंकि बोर्ड किसके अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के, और जब गृह मंत्रालय उनको प्रेशराइज करेगा कि हमको 15 दिन में रिजल्ट चाहिए तो वो 10 दिन में बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो काम है अब गृह मंत्रालय के अधीन है और SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधीन है। लेकिन अगर बाकी जो बोल रहे हैं लोग कि अब आएगा या मार्च में आएगा या उसके बाद आएगा, तो ये असलियत नहीं है। असलियत बात यह है 101% कि हकीकत में किसी को नहीं पता अभी इस घड़ी में। जो इतने दिन जो बोल रहे थे, जैसे कि मैं खुद भी दिसंबर की 3rd वीक वो ईमेल के आधार पर बोल रहा था,
और साथ में मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने 3 रिजल्ट देखे हैं SSC के, वो जब रिमेडिकल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में 2 महीने नहीं लगते, 40 दिन ही लगते हैं, 40 से 45 दिन के अंदर आ जाता है। तो इस बार फिर भी मैं खींच के बोल रहा था 2 महीने कि भाई दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक तो रिजल्ट आ जाएगा। और अब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है कि मतलब 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ का टेंशन लेना छोड़ दो दोस्तों कि रिजल्ट कब आएगा, अब जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। फालतू की बनाने में खुद भी इस पर अब ज़्यादा वीडियो बनाना पसंद नहीं करूँगा रिजल्ट डेट पर, क्योंकि क्या बनाएं, आपको भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही झूठ फेंक रहे हैं हम, क्योंकि हम खुद झूठे हो जा रहे हैं ना भाई। हम किसके आधार पे, जो चीज़ आपको थोड़ी सी 5 दिन बाद में पता चलती है वो हमको 1-2 दिन पहले पता चल जाती है, क्योंकि हम थोड़े से सोर्स हमारे ज़्यादा है, थोड़ा सा पता कर लेते हैं इधर उधर से, आपके अभी कम है। लेकिन फिर वो बात झूठी निकल जाती है तो हम भी आपके सामने झूठे साबित हो जाते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, पता ही नहीं है इनको। अब पता कोई हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से तो है नहीं, और उसके ओनर को भी वही है नहीं कि भाई उसके पूरे हमारे अधिकार है। हमको जो चीज़ पता चलती है, जैसे वो ईमेल वाली हो गई, या जो एक्सपीरियंस जो दिसंबर लास्ट तक, या कहीं से हम इधर उधर से पता करते हैं, तो वो चीज़ें फेल होती जा रही है इस बार। और अभी तक दिसंबर की 3rd वीक आई नहीं है दोस्तों, तो वेट करिए 3rd-4th वीक का, तो हो सकेगा तो शायद रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेटस रिपोर्ट में अगर SSC GD का नाम नहीं आया इसका मतलब रिजल्ट भी नहीं आएगा, ऐसा कहीं रूल नहीं है, किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हाँ, बार बार इस पर वीडियो बनाएं ये भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर वीडियो बनाएंगे आप भी हमको पता परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मैं भी, क्योंकि पता है इस समय इंतज़ार करना क्यों, एक एक साल होने को है, मेडिकल फिट होके बैठे हैं घर पर। और सबसे बड़ी अगर दुख की बात है तो वो ये है कि जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा पूछ के परेशान करते हैं, रियलिटी तो यही है। अगर हम रियलिटी पे जाएं तो खुद से ज़्यादा दुखी नहीं इंसान दूसरों से, आके पूछे अरे क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, आने वाला था ना तेरा रिजल्ट, कुछ तो मतलब और भी ये लेवल भी पार कर देते हैं कि क्या हुआ नौकरी लग रहा है या कोई काम धंधा कर लो। घर वाले आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके माता पिता से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के, इसमें कोई शक नहीं है कि अड़ोसी पड़ोसियों के आपके माता पिता से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे कि क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ, ये तो गया था भर्ती में, मेडिकल हो गया था पास, रिजल्ट आया नहीं आएगा, या कुछ तो ऐसे बोलेंगे फेल हो गया होगा, रिजल्ट नहीं बता रहा इसका मतलब फेल हो गया। लेकिन उनको समय, उनका जो क्वेश्चन है उनके उत्तर वक्त देगा दोस्तों, उसके लिए आप इतना मतलब अपने आप को या अपने पेरेंट्स को भी बोलो थोड़ा सा तसल्ली और रखे, जब इतने दिन रखे हो, हाँ सावधानी रखे, अच्छे से रहो। पता है पेशेंस करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर फौजी इंसान है उससे अगर आप बनने जा रहे हो, आप मान के चलिए ना फौजी बनने जा रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में एक ही चीज़ सिखाई जाएगी, पेशेंस, कि जो आपका दिमाग है ना किस लेवल तक पेशेंस कर सकता है, कोई भी ट्रेनिंग हो उसमें केवल यही चीज़ सिखाई जाती है। तो आपकी तो ट्रेनिंग पहले ही हो गई है ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले, क्योंकि आपके जितना पेशेंस कर पाना बहुत मुश्किल है, और आप लोगों ने किया है और भी करना है। तो इस बात पे आप गौर करना कि किसी को 101% किसी को भी नहीं पता है कि SSC GD की फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। अब चाहे मैं वीडियो बनाऊँ चाहे कोई और बनाऊँ, उनको व्यू से मतलब है, या मैं भी अगर वीडियो इस पर चल रहा है तो मैं भी बना दूंगा बैठ के कि चलो वीडियो चल रहा है बना दूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं हकीकत में। अगर रियलिटी देखी जाए तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी को ओरिजिनलिटी नहीं पता, हम जो मैं बताता हूँ वो उसके आधार पर बता रहा हूँ। और फिर भी अगर दिसंबर की, जैसे मैंने बताया था, तो अभी दिसंबर की 3rd-4th वीक आई नहीं है, आ जाने दो, क्या पता सरप्राइज़ दे दे SSC। तो होप सो आप पॉजिटिव ही सोचें, और कोई बात नहीं, पड़ोसियों को भी मिल ही जाएगा उनका उत्तर, इसके लिए आप इतना ना सोचें। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, और जिनके नंबर कम है वो अगली तैयारी करते रहिए मज़े से। तो जय हिंद, जय भारत।